एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फिट ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीकल लाइव व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप में मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं, उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज एप्टिक। एप्टिक को मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये तीनों टारगेट के साथ। वहां से देखिए एप्टिक ने थोड़ा सा फॉल कर अभी दोबारा से वो उसी एरिया के आसपास मुझे दिख रहा है। टारगेट हमारे सेम होंगे, पहला टारगेट 274, सेकंड टारगेट 298, थर्ड टारगेट 333 के आसपास का। बढ़ते हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है, ये है आज का हमारा सेकंड स्टॉक, दैट इज VSSL। VSSL देखिए मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर किया था। देखिए इस एरिया से इसने थोड़ा सा मोमेंटम देने के बाद फॉल किया। अगर हम इस एरिया से एक बार को वॉच कर ले, इसने यहाँ पे फॉल किया था 17% के आसपास का, बट यहाँ से दोबारा प्राइस अभी भागने के लिए रेडी है। यहाँ से इसने 80% तक का मोमेंटम रिसेंटली दे दिया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक रेडी हो चुका है। हमारा जो पहला टारगेट होगा इसमें वो होगा हमारा 300 के आसपास का, और हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा 330 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज VSSL। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है शक्ति पंप्स। देखिए शक्ति पंप्स मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ हमारे फ्री टेलीग्राम में शेयर किया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस एरिया के आसपास जब ये 1100 के आसपास चल रहा था, और यहाँ से देखिए इसने कितने परसेंट का हाई लगा दिया है। इसने यहाँ पे अभी 1700 के आसपास का हाई लगा दिया है, तो यहाँ से इसने 56% के आसपास की रैली दी है। ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट जब हुआ था, दोबारा से मैंने ये स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करा था स्विंग के लिए, वहां पे भी हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएंगे। मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 1990 के आसपास का, और हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 2200 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज शक्ति पंप्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है ईपैक। ईपैक को शेयर करने का देखिए मेरा एक सिंपल रीजन है, यहाँ पे इस तरीके से मैं एक कैंडल मार्क करूंगा, और देखिए जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहा था, प्राइस ने उस एरिया को ब्रेक किया, एग्जैक्ट उस एरिया पे रिटेस्ट किया, और यहाँ से हमें बाउंस करता हुआ दिख रहा है। इसमें मैं आपको दो टारगेट दूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 225 के आसपास का, मेरा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 245 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज ईपैक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है प्लैटिनम इंडस्ट्री। देखिए प्लैटिनम इंडस्ट्री का मेरे को सिंपल तरीके से यहाँ पे एक राउंडिंग कर्व जैसा दिख रहा है। भले ही ये ऊपर नीचे होके जा रहा है, बट ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें भी मैं आपको दो टारगेट देना चाहूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 235 का, और मेरा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 252 का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज प्लैटिनम इंडस्ट्री। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।